वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग सर्विसेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉट वाटर सिस्टम में। तो ये जो हमारी मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये बेस्ड है एसपीपीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं, दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन, आई जस्ट स्किप दिस। तो बेसिक आउटलाइन जो है मेरी प्रेजेंटेशन की, तो व्हाट इज द हॉट वाटर सप्लाई, देन वी आर टॉकिंग अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स, देन सम चॉइसेस, देन व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द हॉट वाटर टेम्परेचर, देन टाइपोलॉजीज, दीज आर द टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ दैट, देन आफ्टर दैट सर्कुलेशन सिस्टम, देन आफ्टर दैट उसका फेल्योर प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर, देन इंसुलेशन एंड देन कंजर्वेशन एंड देन सम लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट एंड देन विद रेफरेंसेस। तो हॉट वाटर सप्लाई, तो अगर देखा जाए तो हमारे जो क्लाइमेटिक सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको कुछ कुछ अपनी डेली परफॉर्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए डेली लाइफ की, सो वी रिक्वायर्ड अ हॉट वाटर। तो अब ये हॉट वाटर सप्लाई का जो हम सिस्टम डिजाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग या उसके लिए, तो बेसिकली किन पैरामीटर को हमको ध्यान रखना होता है। सो द फर्स्ट वन इज द कितना अमाउंट में हॉट वाटर रिक्वायर्ड है, किस टेम्परेचर पे स्टोरेज करना है वाटर को, और कितने पे आउटलेट निकालना है, देन उसकी पूरी कॉस्ट कितनी आएगी इन अ टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन इवन ऑल्सो इन अ मेंटेनेंस, देन आफ्टर दैट उसको यूज करने के लिए जो एनर्जी होगी वो फ्यूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट और उसकी रनिंग कॉस्ट क्या आएगी, देन आफ्टर दैट कितना वाटर वेस्ट और कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, एंड देन द इंपॉर्टेंट पॉइंट द सेफ्टी ऑफ द यूजर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, हम सब नहीं कुछ ही देखेंगे। तो फर्स्ट अगर देखें तो कोल्ड इनलेट टेम्परेचर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पानी आ रहा है वो इनलेट पे कितना ठंडा है, तभी उसके अकॉर्डिंग हमको उस पर टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा कि ताकि वो कितना वो उस पर गर्म हो सके कितनी देर पे। देन ड्रॉ रेट, सो द रेट इट्स विच हॉटर हॉट वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ वाटर हीटिंग सिस्टम, जिस पे वाटर हीटिंग सिस्टम पे जिस रेट से पानी जितने गर्म से निकलेगा दैट इज कॉल्ड द ड्रॉ रेट। देन टेम्परेचर राइज, तो द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द डिजायर हॉट वाटर और इनकमिंग कोल्ड वाटर, यानी कि जो पानी उस मशीन में कोल्ड वाटर आ रहा है और जो वाटर का जितना हॉट वाटर का मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज ऑफ द टेम्परेचर राइज। देन इनपुट रेटिंग, सो इट्स बेस्ड ऑन फ्यूल, BTU अगेन इज द थर्मल यूनिट, सो इट्स अ टेक्निकल ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। देन सेम थिंग इज द हीटअप टाइम, हीटअप टाइम वी नो इज आर रिलेवेंट विद टाइम, तो मतलब कि कितना समय लेता है उस पानी वो उस लेवल पे अचीव करने में उस हीटनेस को। देन पीक पीरियड, तो पीक पीरियड मतलब कि एज अ पीक टाइम पे वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा ड्यूरिंग द हीटिंग सिस्टम, तो उसके लिए करके हम लोग को एक स्टडी करनी पड़ती है। देन स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूजेबल कैपेसिटी, कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी और कितना उसको यूज कर सकते हैं परमानेंटली, तो ये हमारे टेक्निकल टर्म से रिलेवेंट होते हैं। ओके, सो देन थिंक इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हॉट और कोल्ड को कैसे मिक्स करके आधा कितना यूजेबल माना जाता है और किसको हम मिक्स बोलते हैं जिसमें हमारा कोल्ड और हॉट जो है वो होता है। देन अगेन एक देयर रिकवरी रेट, कि पानी अगर पूरा खत्म हुआ तो वो रिकवरी रेट कितनी देर में वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फिर से वो कंप्लीट फिल होगा टैंक। ओके, सो दिस इज द टोटली फुल्ली टेक्निकल फॉर इलेक्ट्रिकल हीटर, क्या रिकवरी रेट होगी और उससे रिलेवेंट हीट रिलेवेंट कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर को कितने डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए कितने वोल्टेज पे कितने सेकंड कितना टाइम लगेगा, तो ये सब कुछ रेटिंग्स हैं हमारी। ओके, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एज अ डिजाइनर, तो अगर हमको अपने प्रोजेक्ट की ये पता है कि कितना वाटर का जो टेम्परेचर रखना है तो कोल्ड वाटर और सबका, तो हम उसके बेसिस पे यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसके अदर पैरामीटर होंगे जब हम हॉट और कोल्ड को मिक्स करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट हॉट वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर में क्या होती है रेट, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड देन दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ स्किन डैमेज, हम सब के साथ कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ज्यादा गर्म पानी जैसे ही हम डालते हैं तो देन एक हमारा स्किन एक सेंसेशन फील करता है कि लाइक बहुत गर्म फील होता है हमको। सो वो क्या स्टडी है कि जब टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो कितना टाइम लगता है हमारी स्किन को जलने में, तो अगर 60 डिग्री है तो लेस देन 1 सेकंड, ओवर 60 डिग्री पे 1 सेकंड से कम, 60 डिग्री है तो 2.6 सेकंड में हमको वो जो हॉटनेस है फील होगा पानी का, उससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर सेम 49 से 60 के बीच में हमारा यहाँ पैरामीटर लिखा हुआ है। ओके,
सो अगेन अब हमारे पास आती है सिस्टम चॉइस कि अगर हमें हॉट वाटर रिक्वायरमेंट करना है तो हमारे पास क्या चॉइसेस मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है ये कुछ बेसिस पे है। जैसे सबसे फर्स्ट है कि एक तो है हमारा इंडिविजुअल बेसिस पे कि एक हम छोटे से एक किसी टॉयलेट या किसी जगह को प्रॉपरली खाली हॉट वाटर सप्लाई देना चाहते हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि एक हो गया सेंट्रली लेवल और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस। तो एक क्लासिफिकेशन हो रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वाइज। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है अगर हम यहाँ ध्यान से देखें फ्यूल का बेसिस कि हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रली देखें तो हम गैस ऑयल सॉलिड और इलेक्ट्रिकल फ्यूल यूज कर रहे हैं जबकि हम अगर इंस्टेंटेनियस देखें तो ओनली टू टाइप इलेक्ट्रिकल एंड गैस पर। इसके अलावा जो हमारा एक थर्ड लेवल का क्लासिफिकेशन है दैट इज द वेंटेड यानी कि उसमें वेंट का ऑप्शन अवेलेबल है और या फिर वो अनवेंटेड है। तो देखा जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो हम एज एन आर्किटेक्ट की बात करें तो ये तीन बेसिस पे ही ओनली ये है। ओके सो गेन तो फर्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस टाइप ऑफ वाटर हीटर। तो हम सब अपने घरों में देखते हैं मैं मैकेनिकल सिस्टम खाली ओनली दो का ही एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्टली अगर हम इसमें हम ध्यान से देखें तो ये एक पाइप दिया है गैस के कंट्रोल के लिए। तो इस गैस कंट्रोल के थ्रू इस पूरे मेटेलिक स्ट्रक्चर में थोड़ा हीट ट्रांसफर होता है थ्रू द रेडिएशन और इसके चारों ओर जो ये मेटेलिक ट्यूब होती है इसके अंदर हमारा वाटर जो है कोल्ड वाटर इनलेट होता है हम देख सकते हैं सेक्शन में। तो इसके थ्रू क्या होता है जब इसमें इसकी हीट इस मेटेलिक बॉडी में ट्रांसफर होती है इस बॉडी की हीट जो है हमारी इस ट्यूब में ट्रांसफर होती है तो ट्यूब जो है हीट वो हमारा अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है यानी कि वाटर उसको ट्रांसफर करता है जिसके थ्रू हमको ये जो वाटर हॉट हॉट वाटर आउटलेट है उसमें हमको पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द सेम कॉन्सेप्ट देयर वेरी टिपिकल फिगर तो यही कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू इसमें वाटर को हीट करते हैं। द सेम थिंग अब इसमें जो है ये डायरेक्ट सप्लाई हीटर और इनडायरेक्ट सप्लाई हीटर हम लोगों को शो किया है। तो डायरेक्ट सप्लाई हीटर मतलब क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली गीजर से जो है कनेक्शन अपने हॉट वाटर जिसको मुझे चाहिए शॉवर या उसमें हम जोड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सप्लाई हीटर। और इनडायरेक्ट सप्लाई हीटर क्या होता है कि हम पानी गर्म करने के बाद किसी एक CWSC टैंक जो होता है हमारा जिसमें पानी स्टोरेज होता है यूजेबल करने के हिसाब से उसके बाद हम उससे कनेक्शन सप्लाई कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट सप्लाई बेसिस। तो ये हमारा एक इंस्टेंटेनियस में दो सिस्टम हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वाटर जेट ट्यूब टाइप हीटर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस बड़े से शेल में हम लोग बेसिकली बॉयलर से जो है वो हीट जो है इसमें स्टोर करते हैं। अब इस हीट में जैसे हम लोगों ने फ्रिज या बहुत जगह एसीज में देखा इस तरीके से एक कॉइल रन करती है। इस कॉइल के अंदर से हमारा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का इनलेट आउटलेट होता है। कोल्ड वाटर का जैसे इनलेट होता है तो इसके अंदर की जो हीट है वो कॉइल में ट्रांसफर होती है और कॉइल के अंदर की जो हीट होती है वो हमारे अंदर बह रहे वाटर लिक्विड पे एज अ लिक्विड फॉर्मेट में उस पर ट्रांसफर होती है जिसके कारण हमको हॉट वाटर आउटसाइड में रिलीज होता है। ओके सर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉयलर। तो इसमें कई सारे बॉयलर का कैसे कॉम्बिनेशन होकर के हमको वो वाटर मिलता है सो दैट इज द वेरी टिपिकल डायग्राम सो वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन हियर। देन दिस वन इज द स्टोरेज टाइप बेसिस। तो अगर हम स्टोरेज देखें तो इसमें एक सेफ्टी वेंट होता है तो ये वेंटेड होता है बेसिकली और ये वाला अनवेंटेड होता है अगर हम देखें इस केसेस में। ओके देन अगेन स्टोरेज टाइप डायरेक्ट सिस्टम कि जिसमें हम हॉट वाटर जो है वो सीधे गर्म करने के बाद डायरेक्ट स्टोरेज उसमें आ रहा है। एंड देन ये देखें तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हीट ना आकर के एक कॉइल के थ्रू ट्यूब्स के सिस्टम के थ्रू हमारी आती है तो जिसमें स्टोरेज टाइप। ओके एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम किसी बिल्डिंग में हॉट वाटर सप्लाई करते हैं इना रेजिडेंशियल या किसी भी कॉमर्शियल इना वर्टिकली डायमेंशन तो क्या मेथड हो सकते हैं तो आई जस्ट टेल यू फर्स्टली तो देयर इज द टू सिस्टम तो और हम दो के दो कॉम्बिनेशन है तो अप फीड और डाउन फीड। तो अप फीड मतलब जिसमें पानी को हम नीचे से ऊपर भेज रहे हैं और लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि अप फीड में जो हमारा हीटर होगा वो हमारा लोकेटेड होगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें अप फीड में तो अगर हमारा हीटर लोकेटेड इधर है तो जो इनलेट पाइप जिससे पानी हमारा हॉट वाटर सप्लाई हो रहा है तो हम देखें हर एक जगह पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है इसको और ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके तो दिस वन इज अप फीड सिस्टम जिसमें हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है हर फ्लोर पे ईच फ्लोर पे जो है ये हम वाटर हॉट वाटर सप्लाई कर रहे हैं। एंड देन जो पानी हमारा सर्कुलेशन में जब पानी ठंडा हो जा रहा है तो वो रिटर्न होकर के वापस अगेन जो है हमको रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमको हर जगह पे यहाँ पे एक पंप जो है रिक्वायर्ड हो सकता है वाटर को ऊपर उठाने के लिए। देन सेम थिंग हमारा हीटर का जो लोकेशन है वो अगर अप साइड है यानी कि
हमारे टेरेस पे है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा हॉट वाटर सप्लाई है उसको हम फर्स्टली हम नीचे लाते हैं ग्रेविटी के थ्रू, और देन फिर इंडिविजुअल जो हमारे लोकेशंस होते हैं टॉयलेट के इंडिविजुअल साइट्स, तो हम उसके बेसिस पे हम अलग अलग जो टॉयलेट के जैसे हमारे सेम लेवल पे, मतलब हर एक लेवल पे सेम लोकेशन होती है, तो उस बेसिस पे हम फिर पाइप जो है वो सॉरी तो फिर हम उनको इस फ्लोर पे हॉट वाटर सप्लाई कनेक्शन जोड़ते हैं, और जो हमारा रिटर्निंग वाटर होता है वो हम सीधे फिर टेरेस में ले जाते हैं। तो ये सिस्टम होता है हमारा अपफीड में। तो अगर देखा जाए तो अपफीड में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो वाटर है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही ऊपर की तरफ जाएगा हॉट वाटर। ओके, देन अगेन नेक्स्ट वन इज द डाउन फीड सिस्टम। तो अगर हम डाउन फीड देखें तो उसमें भी दो कंडीशन बनती है जिसमें हीटर जो है वो हमारा या तो फ्लोर पे लोकेटेड होगा या तो फिर हमारा रूफ टॉप पे। तो अगर फ्लोर पे लोकेटेड होता है तो उसमें हम सबसे फर्स्टली क्या करते हैं, जो हमारा हॉट वाटर होता है उसको हम फर्स्ट एक बार में कंबाइंडली अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जो है उसको चढ़ाते हैं हाई लेवल पे, और देन उसके बाद इंडिविजुअल कनेक्शन जो है अप डायरेक्शन से डाउन डायरेक्शन की तरफ प्रोवाइड कराते हैं, और फिर जो हमारा बचा हुआ पानी होता है स्टॉक वाटर होता है उसको हम फिर दोबारा हीट अप करने के लिए हम वहां से कलेक्ट करते हैं। अगेन अगर ये हमारा हीटर जो है वो टॉप पे है यानी कि रूफ टॉप पे है, तब उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनलेट वाला वाटर है वो हम ऊपर से जो हमारी जितनी भी जगह लोकेशन वो टॉयलेट की ब्लॉक्स में वर्टिकली है उस तरीके से हम इंडिविजुअली सप्लाई करते हैं, फिर हर एक का पानी जो रुका हुआ है उसको हम कलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली पाइपलाइन का कनेक्शन करके हम रूफ टॉप पे ले जाते हैं। दैट्स कम्स अंडर डाउन फीड सिस्टम। ओके सॉरी, दिस वन इज द अपफीड, दिस वन इज द डाउन फीड। ओके सो दिस इज द सॉरी ओके कंबाइंड अपफीड डाउन फीड। ओके, दिस वन इज द कंबाइंड अपफीड एंड डाउनफीड। अगर हम दोनों को मर्ज करते हैं तो अगर कंबाइंड अपफीड एंड डाउनफीड सिस्टम देखें तो हम इसमें जो है फसली एक के थ्रू ही हम पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ऊपर ले जा रहे हैं, और देन हम इसको ऊपर कनेक्टेड जोड़ रहे हैं दो को, तो दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड अपफीड डाउनफीड। देन सेम थिंग अगर इसमें हीटर लोकेशन ऊपर है तब उसमें यही सेम सिस्टम हम कनेक्शन जो है वो रिवर्स में करते हैं, तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पाइपिंग हमें इसमें सेव कर सकते हैं। ओके सो अगर हम नॉर्मल वाटर के साथ करते हैं तो जो उसकी जो पाइप फिटिंग्स होती हैं तो देर आर समथिंग डिफरेंट चैलेंजेस जब हम कभी हॉट वाटर सप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज होती है कि अगर हम कहीं पे बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्वालिटी के मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर वो स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं है, ऐसे ब्रांडेड अनब्रांडेड मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि हमारे हॉट वाटर सिस्टम में फेल्योर्स आए। देन अब रेगुलरली जब वाटर फ्लो करता है और हॉट वाटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस होते हैं, तो उस केसेस में होता है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन करके देयर समथिंग डूइंग द केमिकल करोजन, तो ये एक इशू हो सकता है जिसके कारण जो हमारी फिटिंग्स हैं वो इस तरीके की कुछ हमें मिल सकती है कॉरिजन्स में। देन एक इलेक्ट्रोकेमिकल कॉरिजन जो होता है वो हो जाता है, देन सेलेक्टिव कॉरिजन्स किसी किसी मेटल के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है। देन अगर हम बात करते हैं इंसुलेशन की, क्योंकि ऑब्वियसली है कि जब हमारा हॉट वाटर सप्लाई होता है तो जब वो एक जगह से दूसरी का ट्रेवल डिस्टेंस करता है तो वो एक एयर के कांटेक्ट में आकर के हो सकता है कि वो अपना टेम्परेचर लॉस करे, हीट को जो है वो एनवायरमेंटल में रिलीज कर सकता है, तो उस केसेस में उनको रिक्वायर्ड होता है इंसुलेशन का पाइपिंग पे। अब वो इंसुलेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या रेट, वो हमने इस टेबल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके सो दीज आर द टेम्परेचर रेंजेस, कि अगर हमारा लो टेम्परेचर पे अगर हमको लो टेम्परेचर खाली थर्मल इंसुलेशन चाहिए तो हमारा ये क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि लो टेम्परेचर के केसेस में आते हैं। इंटरमीडिएट का आता है तब फिर क्या रेंज होगा टेम्परेचर का, जिन जब हाई आता है तो वो कहाँ के लिए है वो हमारा इसमें ऑलरेडी मैंशन है। ओके दीज आर द इंसुलेशन फॉर्म, एज वी नो कि मार्केट में जो है सीड्स फॉर्म शार्प स्प्रे एवरी टाइम बहुत टाइप के मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मटेरियल्स की बात करें तो मिनरल फाइबर वूल जो है वो सबसे फेमस है, देन कैल्शियम सिलिकेट, एक्सपेंडेड सिलिका जिसको हम लोग एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन फॉर्म जिसको हम लोग थर्मोकोल भी कहते हैं। ओके एंड दिस इज द हॉट वाटर पाइप ऑफ इंसुलेशन, जिसमें से हम इंसुलेशन को वन साइडेड करके इस तरीके से पाइप पे हम लोग कॉर्नर्स पे और सिंगल पाइप पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ओके देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेपर का बैरियर, जो अगर एनवायरमेंटल से आकर के जो एयर जिसमें ह्यूमिडिटी होती है जिसके कारण वो एक वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट वो टच करती है जिसके कारण हमारा हॉट वाटर टेम्परेचर का लॉस होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड होता है जिससे हम एक लेयर पाइप के ऊपर चढ़ाते हैं जो कि एनवायरमेंटल से यानी वेपर को रोक सके, बैरियर हो सके।
ओके okay. अब हम जब बात करते हैं सम एनर्जी कंजर्वेशन की पॉइंट, क्योंकि इसमें हमारी हम एक्स्ट्रा एनर्जी उस हॉट वाटर को दे रहे हैं गर्म करने के लिए, तो हम इससे कैसा करें कि हमारी वो एनर्जी कम से कम यूज हो सके या हमको एक अच्छा आउटपुट मिल सके. सो वी हैव मस्ट बी रिक्वायर्ड इन एनर्जी कंजर्वेशन. सो सब फर्स्ट थिंग जो हमें अपना सिस्टम को इंस्टॉल करना है वो परफेक्ट एक लोकेशन होनी चाहिए. हमारी फिटिंग जो होती है वो एकदम परफेक्टली होनी चाहिए. इंसुलेशन इफेक्टिवली होना चाहिए. देन अनदर थिंग, हम जब भी उस सिस्टम को यूज ना करें ऑब्वियसली वो टर्न ऑफ होना चाहिए. ओके, देन रिड्यूस द मिनिमम हॉट वाटर सेटिंग. ओके, देन कम से कम रखने, बी माइंडफुल वेयर टू इंस्टॉल कॉन्स्टेंट प्रेशर स्टोरेज टैंक. इस चीज को हमको देखना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर. नो वेन द टर्न वाटर हीटर को हमको ऑफ करना चाहिए. देन अगेन सोर्स, देन लीक को हमें चेक करते रहना चाहिए. ओके, देन कोशिश करना चाहिए कि हम सोलर पैनल बेसिकली यूज करें ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज कर सकें. सेम थिंग गो सोलर, देन इंस्टॉल एन इलेक्ट्रिकल हीट पंप. देन हमें हायर रेटिंग जितने भी होते हैं अप्लायंसेस कोशिश करनी चाहिए वो यूज करने चाहिए इन अ टर्म ऑफ हॉट वाटर के जितने भी हमारे होते हैं. देन राइट साइज ऑफ यूनिट एंड देन रीलोकेट. सो दीज आर माई द रेफरेंसेस. सो thank you, and if you want this presentation so you can check my caption. thank you so much. Please like my video.